SRK की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज जो फिल्म ऑपरेशन खुकरी प्रोड्यूस करने वाली है उनके मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग इसी साल के एंड से शुरू हो जाएगी। रेड चिलीज का कहना है कि इस पे काफी रिसर्च किया गया है और इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाने वाला है। ये एक बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की सच्ची कहानी पर बेस्ड है और ये फिल्म हमारे देश के उन सारे वीर बहादुरों को सेलिब्रेट करती है। फिल्म के डायरेक्टर और कास्ट फाइनलाइज्ड किए जा चुके हैं। इस फिल्म पे इस साल के आखिर से काम शुरू किया जाएगा। इसे अफ्रीका के रियल लोकेशंस पे शूट किया जाएगा और इसमें एक आर्म्ड बैटल सीन को भी शामिल किया जाएगा। रेड चिलीज ने ये भी बताया है कि उनकी टीम ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार करने में अपना बहुत वक्त इन्वेस्ट किया है, यानी कि इस फिल्म की कहानी काफी पावरफुल बनने वाली है। वहीं क्योंकि ये एक सच्ची घटना पे बेस्ड है, इसी कारण इस फिल्म में देखने को काफी कुछ होगा। ऐसा के की अगली फिल्म ऑपरेशन खुकरी में शामिल राजकुमार राव अपने को स्टार SRK को लेकर कहते हैं कि जब वो शाहरुख से पहली बार 2014 में मिले थे तो शाहरुख ने उन्हें स्पेशल फील करवाया था। राजकुमार कहते हैं, मैं कहीं शूटिंग कर रहा था और SRK वहाँ थे, शायद वो किसी चीज का प्रमोशन करने आए थे। मुझे लगा कि मुझे उनसे जरूर मिलना चाहिए क्योंकि मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। तो मैंने उनके लिए डायरेक्टर शकुन बत्रा के थ्रू एक मैसेज ड्रॉप करवाया, जिसके बाद मुझे उनकी वैनिटी वैन में बुलाया गया। जैसे ही उनकी वैनिटी का दरवाजा खुला, मुझे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगी। SRK अंदर बैठे थे और जैसे उन्होंने मुझे देखा, वो कहने लगे, राज कम कम कम। जिन्हें मैं हमेशा शहरों के बिलबोर्ड्स पे देखता था, उन्हें सामने से देखना सच में कमाल था। उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड जीतने पे बधाई दी। लोगों को स्पेशल फील करवाना SRK की खूबी है। मेरे लिए उनसे मिलना एक कमाल का एक्सपीरियंस था। राजकुमार अपने ऑपरेशन खुकरी के को स्टार यानी SRK के घर पे विजिट करने और उनके द्वारा मिली अटेंशन को लेकर कहते हैं, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम उनके घर पे थे। शाहरुख सर से सीखने के लिए काफी कुछ है। वो जिस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो सब कमाल है। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनका पूरा अटेंशन आप पे होता है और आपकी तरफ होता है। वो आपके मुंह से निकले हर शब्द को गौर से सुनते हैं। वो जिस तरह से हर पार्टी में आते हैं, वो 3 फ्लोर नीचे उतरकर आपके कार के पास आते हैं, आपके लिए दरवाजा खोलते हैं, आपको बिठाते हैं और तब तक खड़े रहते हैं, वो आपको बाय करते हैं जब तक आप उनकी नजरों से गायब नहीं हो जाते। उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, पर यही बात उन्हें अलग बनाती है। तो दोस्तों, आप कितने इन्फ्लुएंस्ड हो SRK की पर्सनालिटी के साथ, हमें जरूर बताएं।